डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के मुखी गुलाम नबी आजाद ने मीडिया नाल गलबात करदिया कहा है कि कश्मीर विच हालात सुधरन तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जम्मू तबादला किया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती नाल कुछ घटनावां वापरियां हन, जिंदगी पहला है अते इसलिए मेरी राय है कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों नू जम्मू विच सुरक्षित थावां ते तब्दील किया जाए। जदों स्थिति विच सुधार हुंदा है तां उन्हां नू वापस कश्मीर लियांदा जाना चाहिए है। आजाद ने कहा है कि जिंदगी रोजगार तो किते वध कीमती है। उन्हां केंद्र शासित प्रदेश विच उन्हां दी पार्टी दे सत्ता विच आउण मगरों अजिहा कदम चुकण दा वादा कीता है। आजाद ने कहा है कि मैनूं नहीं पता कि सरकार दी की पहुंच है, पर जेकर साडी पार्टी सत्ता विच आउंदी है तां असीं अजिहा करांगे। जम्मू कश्मीर विच विधानसभा चोणां विच देरी बारे पुछे जाण ते साबका मुख्यमंत्री ने कहा है कि असीं पिछले साल तों उड़ीक कर रहे हां। मैं संसद विच वी कई बार इस मुद्दे नूं उठाया है, उह सानूं पंचायती चोणां जां DDC चोणां दी कारवाई बारे तां दसदे हन, पर असल विधान सभा दीयां चोणां जो नहीं हो रही बारे कुछ नहीं दस्या जा रहा। नो, मैंने कोई उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन मेरी शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6,000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3,000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6,000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6,000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए, लेकिन उस वक़्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई, इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके जब हालात ठीक हो जाए उसके बाद वापस आए। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान? जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे।